आज हम लोग देखते हैं गाय के लिए एक पोर्टेबल फीडर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। और ये जो आप फीडर देख रहे हैं ये मात्र इसमें खर्च जो है वो 300-400 रुपए का खर्च है, और इससे एक बहुत ही अच्छा टिकाऊ और एकदम स्टडी जिसको बोलते हैं वैसा एक पोर्टेबल फीडर गाय के लिए बन गया है। अब इस फीडर की सहायता से आप गाय को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं और उसका फीडर भी कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं। अभी आप इसको देखिए तो इसमें एक ड्रम था, प्लास्टिक का ड्रम, उसको 600-700 रुपये का वो आ जाता है पुराना वाला, तो आप उसको आधा कर लेंगे तो आपको लगभग 300-350 रुपये का खर्च उसमें आएगा। और कुछ ऐसा लकड़ी का पट्टी लगेगा आपको, इससे आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं इसको। इसका जो विड्थ है इसको देखिए, ये बाहर बाहर जो है ये लगभग 24.5 इंच या 25 इंच लिया गया है पट्टी के साथ, और अंदर अंदर जो इसका विड्थ होता है वो लगभग 22 इंच या 22.5 इंच आप ले सकते हैं। 22.5 इंच अंदर अंदर है ये, यानी ड्रम का जो विड्थ होगा, डायमीटर जिसको बोल सकते हैं आप, तो डायमीटर जो है वो लगभग 22.5 रहेगा, और बाहर बाहर ये 24.5 हो जाता है यानी पट्टी ऐड करके। और इसकी इसका जो रेडियस होगा, यानी रेडियस में आप इसका डेप्थ को रेडियस मान सकते हैं, तो इसकी गहराई जो होगी वो आपको लगभग 12.5 इंच होती है, आप 13 इंच भी ले सकते हैं। तो रेडियस ये हो गया आपको, तो आप इसको इसका जो है डायमीटर अगर आपके पास है, जैसे इसका मान लीजिए 22.5 डायमीटर निकला है, तो आप इसका आराम से निकाल, लंबाई जो है इसका पूरा 3 फिट रहता है, 36 इंच रहता है, तो आप ये लंबाई इसका देख लीजिए पूरा लगभग, नहीं अंदर अंदर ये जो है 34.5 इंच, 3 फीट आप मान सकते हैं, 3 फीट रहता है, क्योंकि वो थोड़ा सा नीचे अंदर की तरफ धंसा हुआ है, तो वो मोटा मोटी 3 फीट आता है। और इसका आप जब भी बनाएं तो इसको आप डायगोनल जरूर इसका चेक करें, तो इसमें आप देखेंगे ये डायगोनल जो है लगभग जो है 45 आ रहा है इसका इस साइड से, और इस साइड से भी इसका डायगोनल, इसको लोकल भाषा में कोनिया या गुनिया बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, तो ये देखिए दोनों से 45 आ रहा है ये, तो इसका डायगोनल को भी देखना जरूरी है, इससे आपका फ्रेम सही बनेगा। तो ये आप देख लिए, और इसका जो डायमीटर है, जैसे इसका चौड़ाई जो होगा टब का, उस चौड़ाई को आप आधा करेंगे तो इसका गहराई निकल जाएगा, क्योंकि इसका गहराई जो है वो इसका रेडियस है, इसका त्रिज्या है इसका, इसीलिए आप इसके चौड़ाई को आधा करके सीधा गहराई अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे आपको मेजर करके भी हम दिखाएं, इसमें ऐसा नीचे जो है चारों लेग देने के बाद उसको आपस में कनेक्ट करने के बाद ऐसा इसका बेस जो है, जो इसका गहराई है, गहराई के ठीक नीचे आपको पट्टी डालना है, ताकि इसमें जो लोड पड़े तो वो लोड नीचे शिफ्ट हो। पहले हम लोग सोचे थे कि इसका किनारे को ही स्क्रू से टाइट कर देंगे, लेकिन वो सारा लोड फिर स्क्रू पर आ जाता तो टब के फटने का डर था, दूसरा जो फ्रेम है उसकी मजबूती भी नहीं आती, इसीलिए इसको बेस में डाल देने से फ़ायदा क्या हुआ, टब भी पोर्टेबल हो गया, आप टब निकाल लीजिए, उससे साफ सफाई करना है, टब ही निकल जाता है उससे, और आपका ये फ्रेम भी पोर्टेबल है। अब आप इसमें से एक एक चीज़ को निकाल सकते हैं, टब अलग निकाल लिया, इसको अलग निकाल लिया। अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका हाइट, कि क्या हाइट रखा जाए ताकि गाय जो है उसको अप्रोच में दिक्कत ना हो। तो इसका हाइट आप देखेंगे जब, तो इसका हाइट रखा गया है, आप इसका हाइट ले लीजिए लगभग जो है 26.5 इंच, हाइट थोड़ा मेरा ज़्यादा है पैर का, लेकिन वो बेस जो जहाँ तक उसका गर्दन जाना है वो 26.5 है, यानी 26 इंच आप मोटा मोटी मान सकते हैं, 2 फीट 2 इंच। ये जो हाइट होता है, इस हाइट में जो एक एडल्ट काउ होती है वो इजीली उसमें फीड ले सकती है, और जो उसका बच्चा होता है, बछिया बछड़ा जो भी है, ये भी आसानी से उसमें खाना खा सकता है। तो इस तरह से आप देखेंगे जब पूरा फिटिंग आता है तो ये काफ़ी मजबूत है और ये हिल भी नहीं रहा है, पूरे फिटिंग के साथ इसमें चला गया है। और ये देखिए इसमें गाय को खाने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, इसी को बना के हम लोग अभी गाय को इसमें खाने दिए, और गाय को देखिए ये आराम से इसका अप्रोच में है, और इसको कोई परेशानी, आपको ध्यान रखना है बस जो इसका गहराई है टब का,
उससे थोड़ा अधिक करना है। इससे क्या फायदा हो रहा है, आप देखिए कि चारों तरफ जो पहले प्लास्टिक का किनारा बनता था, तो प्लास्टिक किनारे में क्या होता था, रस्सी भी कटता था और गाय के गर्दन में भी परेशानी होती थी। अभी क्या हो गया, चारों किनारे में लकड़ी आ गया, क्योंकि गहराई से थोड़े ऊंचाई पर साइड का पट्टी जो है उसको लगाया गया। यानी गहराई इसका जो है सारे 11 था लगभग, तो पट्टी जो है हम लोगों ने 13 पर लगाया। तो पट्टी 13 पर लगाने का फायदा ये हुआ कि पट्टी जो है वो प्लास्टिक का किनारा से ऊपर हो गया थोड़ा सा। ऐसा अभी आपको इस साइड पे ऐसा प्लास्टिक ऊपर दिख रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा टबी टेढ़ा हो गया है। वो जब सीधा हो जाएगा तो ऐसा कर सकते हैं, इसको आप फिट करने के लिए स्क्रू भी लगा सकते हैं इसमें। और गाय जो है ऐसा खाने को साइड से मारती है, इसके लिए ये